नमस्कार, मेरे यानी वरुण सखा जी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक सोशल मीडिया पर कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किए गए। बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व IAS थे, रायपुर कलेक्टर थे, अभी 4 महीने पहले, जिन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खा करके राजनीति में आने की कस्में खाई थी, अपनी माटी की सेवा करना चाहते थे, उनको कोई कचोट रहा था, मन में कुछ ऐसा उमड़ रहा था, घुमड़ रहा था, और भी बहुत सारी रस्में कस्में उन्होंने खाई थी। आज एक फोटो शेयर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ओपी चौधरी अपने छत्तीसगढ़ की जो खरसिया विधानसभा से, जहां से भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, वहां पर कुछ किट्स बांटते नजर आए हैं। कुछ किट उनका जो उन्होंने बांटा है, उसमें शेविंग के आइटम्स हैं सारे, और वो उन्होंने लोगों के बीच में बांटे हैं। उनमें उनका एक फोटो लगा हुआ है, उसमें प्रार्थना लगी हुई है, उसमें कुछ माटी माटी के लिए, माटी का माटी के लिए लिखा हुआ है ओपी चौधरी। अब अभी फिलहाल तक ये तय नहीं हो पाया है कि वो जो किट हैं ओपी चौधरी ने ही बंटवाए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बंटवाए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये कष्टकर है। इसलिए कष्टकर नहीं है, कोई शेविंग किट बांटना किसी तरह से कोई गलत बात है, लेकिन आप एक अलग तरह की राजनीति करने आए हैं, आप वो कस्में वादे लेकर आए हैं, आप एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके, देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ करके आप एक पद पर, एक राजनीति में इसलिए आए हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर राजनीति में कुछ करने का यही रास्ता है, यही ढंग है, यही तरीका, यही ढोल है, तो फिर ऐसा करने वालों की बहुत बड़ी कतार है। वो कर रहे थे, आपको संभवतः इसमें आने की फिर आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल, मैं आपको सुझाव, सलाह, मशविरा कुछ भी नहीं दे सकता, न मैं देना चाहता हूं। परंतु चौधरी साहब, आप को ये समझना पड़ेगा, जिस तरह से देश में अरविंद केजरीवाल युग आया, और वो युग एक बहुत छोटे से समय अंतराल में ही एक अवसान की तरफ गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो खत्म हो गया, लेकिन जिस विश्वास, निष्ठा और अपेक्षा के साथ केजरीवाल युग आया था, संभवतः छत्तीसगढ़ में आपने भी कुछ कुछ वैसा करने की कोशिश की थी। उतनी लोकप्रियता नहीं, उतना बड़ा फलक नहीं, उतना बड़ा दायरा नहीं, परंतु फिर भी आपकी सोच, समझ और चीजों को करने और कर दिखाने की जो आपकी ललक है, वो काबिले तारीफ थी। अगर यही सब करके करना है, यही सब करके आपको सीटें जीतना है, हारना है, तो बहुत कष्टकर है, और ये लोक अपेक्षा पर उठारा घात है। महोदय, आपको ये समझना पड़ेगा ओपी चौधरी जी, कि आप वो नहीं हैं जो हजार और हैं। अगर आप ये समझ सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे जो हथकंडे हैं राजनीति, चुनावी राजनीति के, उनसे संभवतः बचना चाहिए। आपको कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स आपसे अपेक्षा की जाती है। आप एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं, आप बड़ी अपेक्षाओं के साथ हैं। फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो अवसान हुआ देश के अंदर, अब वो एक ऐसी पार्टी बनकर, एक ऐसे व्यक्ति बनकर रह गए हैं जो बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से व्यक्ति, वो भी जात की राजनीति करते हैं, वो भी क्षेत्र की राजनीति करते हैं, वो भी प्रांत की राजनीति करते हैं, आरोप की राजनीति तो उनके मूल में है ही है, और वो भी दूसरे की लकीर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, वो भी झूठी बातों को वायरल करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हर चीज, अगर आर्थिक भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा सब कुछ है, बाकी की तरह के भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, तो फिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ वो नहीं हो सकता। मनोदशा सबसे महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जी, आप आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है, और आप उसमें पाक साफ होंगे, लेकिन बाकी जो आप जिस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, जो अराजक माहौल क्रिएट करते हैं, वो तो उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ओपी चौधरी जी, अगर ऐसी कोई बात आपकी तरफ से हुई है, खरसिया में ऐसा कुछ हुआ है, तो ये बेहद दुखद और दुर्घटनाजन्य है, खासकर इसलिए क्योंकि आप एक बड़ी लोकापेक्षा के साथ राजनीति में एंटर हुए हैं, मंत्री, विधायक, सांसद बनने नहीं, मुख्यमंत्री बनने नहीं, आप कुछ करने हुए हैं, और कुछ करने के लिए सब बनना आवश्यक है, लेकिन ये सब बनने के लिए अगर ये रास्ता है, तो आप उसी रास्ते से चल रहे होते, इतना सारा प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता नहीं थी।
कुल जमा फिलहाल ये इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबा दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट इसलिए कीजिए ताकि और बेहतर कंटेंट इसमें दिया जा सके। आप खराब कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि अच्छे कमेंट से सीखने को मिले ना मिले, खराब कमेंट से सीखने को जरूर मिलता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।